आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE. एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है. स्वागत है आपके इस चैनल पर ECLE की. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मस्ट बी. जो मस्ट की क्लास थी हमने मंडे को कंप्लीट कर ली है. अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो चैनल पर जाके. और आज की क्लास हम मस्ट बी के साथ हम वॉकअप भी लाया हूँ. ओके, आपके पीछे हर बार की तरह मैं वॉकअप आपके लिए जरूर कराता हूँ जब भी मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ. अगर ऐसा सेंस हो, मतलब ऐसा कोई जल्दीबाजी हो तो हो सकता नहीं कराऊँ, लेकिन वॉकअप भी लाया हूँ ताकि आपकी वॉकअप भी आपकी इम्प्रूव हो सके. ओके, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं क्लास को. ओके, बीच में क्लास को छोड़कर ना जाए. और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ECLE का जो कोर्स है, कौन सा, इंग्लिश स्पोकन बैच फ्री वाला, जो 299 का जो मिलता है, 239 का मिलता है ना, 399 का, वो आज फ्री में कोर्स है उसी प्रकार का. ओके, इंग्लिश स्पोकन बैच जो आप प्ले स्टोर में जाकर जा सकते हैं, 60-70 वीडियो डली है, आप आसानी से देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं इस इंग्लिश स्पोकन के लिए. साथ ही जो मैं हम क्लास जो आपकी कल की क्लास थी, जो मैंने थोड़े से टिप्स वगैरह बताए थे कैसे टॉपिक्स वगैरह बनाना है, तो उस पर भी ध्यान देना एक्टिविटी पर. और हम वॉकअप भी करते चलेंगे. और साथ ही साथ हम जो है आपको मतलब पूर्ण रूप से कुछ न कुछ ऐसा कराएंगे कि आपकी स्पोकन इम्प्रूव हो सके, स्पोकन अंग्रेजी आने लगे. ओके, तो स्टार्ट दिस क्लास. सो फर्स्ट ही हम वॉकअप पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ओके, तो पहला वॉकअप स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मीन्स क्या होता है, शायद मैंने हो सकता है एक आध बार पढ़ा. स्टिमुलाई मीन्स होता है उत्तेजना या फिर प्रोत्साहन. क्या होता है, उत्तेजना या हम बोल सकते हैं प्रोत्साहन. तो क्या स्टिमुलाई, STIMULI. स्टिमुलाई मीन्स होता है प्रोत्साहन होता है. क्या होता है, प्रोत्साहन करना मीन्स स्टिमुलाई, मतलब उत्तेजना या फिर प्रोत्साहन. उत्तेजना कोई किसी कोई काम करने की उत्तेजना है, तो हम उससे हम क्या बोल सकते हैं, उत्तेजना या फिर प्रोत्साहन. ओके, जैसे हम बोल सकते हैं उसमें SSC पास करने की उत्तेजना है. ही हैज़ स्टिमुलाई टू क्रॉस दी सॉरी पास दी SSC बोल सकते हैं. दूसरा इमेजिनेटिव. इमेजिनेटिव होता है कल्पनाशील. इमेजिनेटिव क्या है, इमेजिनेटिव मीन्स होता है कल्पनाशील. IMAGINATIVE. इमेजिनेटिव मीन्स होता है कल्पनाशील. जो कल्पनाशील होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं इमेजिनेटिव थिंकिंग, मतलब कल्पना, मतलब कल्पनाशील विचार. कल्पनाशील विचार बोल सकते हैं, उसके विचार कल्पनाशील विचार हैं. उसके विचार कल्पनाशील विचार हैं बोल सकते हैं. उसके विचार मतलब हिज थाट्स इमेजिनेटिव थाट्स बोल सकते हैं. हिज थॉट स्टिमुलेटिव थॉट्स एंड स्टिमुलेटिव थिंकिंग हम बोल सकते हैं. तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड हो गई. ठीक है, नेक्स्ट है कॉनक्योर. कॉनक्योर मीन्स क्या होता है, जीतना, या हम जो हम आसान वर्ड है जो विन बोलते हैं इसको. कॉनक्योर मीन्स होता है जीतना, कोई चीज़ को जीतना. जैसे कि उसने अपने आप से जंग जीती. ही कॉनक्योर हिमसेल्फ. ही कॉनक्योर हिमसेल्फ वॉर. ठीक है, दूसरा नेक्स्ट मीनिंग का है इंस्टा का है INS instantaneous. instantaneous होता है एकदम या तुरंत, जैसे हम इंस्टेंट भी बोलते हैं इंस्टेंट, तो इसी का फॉर्म है इंस्टेंट का instantaneous. तो प्रोनाउंसिएशन instantaneous में से एकदम क्या होता है, एकदम या तुरंत. क्या होता है, एकदम या तुरंत, इसे हम क्या बोलते हैं instantaneous. तो बोल सकते हैं कि उसने एकदम पूछा, उसने एकदम क्वेश्चन पूछा. तो ही आस्क्ड क्वेश्चन इंस्टाटेनियस. ओके, थोड़ा प्रोनंसिएशन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग है. ठीक है, डिफरेंट है. लोकोमोशन. लोकोमोशन होता है, लोकम होता है हरकत. लोकोमोशन क्या होता है, हरकत है. इसके मैंने ये क्या है, नाउन है एक्चुअली, ये भी नाउन, इंस्टाटेनियस नाउन. ठीक है, तो क्या है इंस्टाटेनियस मीन्स होता है सॉरी लोकोमोशन मीन्स होता है हरकत करना, कोई प्रकार की हरकत हो या हलचल हो. या फिर मैंने एक डेफिनेशंस लिखी है, तो क्या मूवमेंट, मूवमेंट करना है, या द एबिलिटी टू मूव वन प्लेस टू अनदर. क्या है, क्या है एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लस. एबिलिटी या क्षमता एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की एबिलिटी, करने एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लोकोमोशन हम बोलते हैं. तो
यह इट इज़ ये डेफिनेशन से थोड़ा सा मुझे मतलब समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, जब मैं वॉकअप सर्च कर रहा था। ओके, तो क्या बोलते हैं हम लोकन लोको मोशन मीन्स हरकत बोलते हैं, या हम डायरेक्ट इसको हम मोशन ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है चिंता। कंसर्न मीन्स क्या होता है? चिंता, किसी चीज़ को क्या होता है? चिंता, उसको हम कंसर्न या चिंतन या मनन। लेकिन ये जो कंसर्न है ये पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है, किसी मतलब किसी चीज़ के बारे में उसके बारे में चिंतन करना, थॉट्स करना, ठीक है, या उसके विचार मतलब बोल सकते हैं हम एक प्रकार से कि जैसे कोई किताब है, कोई कहानी है, तो उसके बारे में चिंतन करना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में ये चिंता बोलते हैं, ठीक है। और जो वरी वाली है, जो बरी वाली है, WORRY, जो बरी वाली है, सॉरी थोड़ी गलत स्पेलिंग हो गई, वरी वाली वो चिंता अलग है, वो मतलब नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इसके बारे में चिंतन और मनन करना किसी पॉजिटिव उसके बारे में, तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? हम चिंतन हम बोलते हैं। तो यह आज की ये वॉकअप थी। ओके, तो आप इसके सेंटेंस बनाना है, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वॉकअप। थोड़ा सा यार अजीब लगता है, थोड़ा सी क्योंकि क्लास रेगुलर नहीं आ पा रही है, तो कुछ का कुछ निकल जाता है। तो ये आपकी एक क्लास थी, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स फ्रॉम हेयर। एंड हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में, उससे पहले हम क्या मैं डस्टर उठा लें, डस्टर वहाँ रखा है, एक मिनट रखना, एक सेकेंड का टाइम लगेगा। यस, आई हैव डस्टर। ओके, ये डस्टर, इस डस्टर तो नहीं है, डस्टर मस्ट है ही नहीं है इसमें। ओके, तो हम इसको मिटाते हैं और हम आगे चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास मस्ट की क्लास है। ओके, तो आई थिंक अगर आपने शूट की क्लास देख ली हुई तो मस्ट के सेंटेंस आप 100% बना सकते हैं और बना ही लेंगे, क्योंकि इसका एक ही मतलब होता है, ही चाहिए। किसका मतलब होता है? ही चाहिए, इसका मतलब होता है ही चाहिए, मस्ट वी। ओके, तो क्या पढ़ा रहा है? मस्ट बी, मस्ट बी, ठीक है। अरे यार पेन काम नहीं कर रहा है, क्या है ये? मस्ट बी, मस्ट बी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या निकलता है? ही चाहिए, मतलब ही चाहिए, मस्ट ही चाहिए कैसे, मतलब यहाँ देख लो, ठीक है, ये बनना ही चाहिए, ठीक है, पहचान है, या होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, इसकी क्या है? ये पहचान है। ये क्या है? यहाँ लिख देता हूँ, ये पहचान। सेंटेंस के लास्ट में अगर बनना ही चाहिए, ध्यान रखना, अगर बनना ही चाहिए मैंने बोला है, तो ही का सेंस ही आना ही चाहिए, ही आना ही चाहिए, ठीक है। इट मस्ट कम ही ही तो आना ही चाहिए। अगर ही आएगा तो आप मस्ट से, मतलब जो हम बोलते हैं सेंटेंस में जनरल सेंस में, जो मतलब हम बोलते हैं कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए, तो जनरल। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेशराइज या एम्फेसाइज करने के लिए बोलना तो ही चाहिए। और एक्चुअली में जो मस्ट का यूज़ है, किसी सेंटेंस को उसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू द सेंटेंस टू द एम्फेसाइज ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला कि आपको ईमानदार बनना चाहिए, या हमें ईमानदार बनना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? बी मस्ट से हमें बनना चाहिए, तो बी शुड बी ऑनेस्ट बोल सकते हैं। लेकिन हम सेंटेंस में अगर यूज़ करें, उसको एम्फसाइज करना है, तो उसका एक अलग बोल होता है, बी मस्ट बी ऑनेस्ट। ओके, इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार हम यूज़ करते ही कर सकते हैं क्या, तो इसको सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। और इसकी जो पहचान है कुछ ज़्यादा बनी है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसकी अलग जो पहचान होगी, अलग जो आइडेंटिफिकेशन होगी, तो मैं आपके बीच में जरूर लाऊंगा। और एक मैं डिफरेंस भी करूँगा मस्ट और शुड में, वो अलग क्लास रहेगी। ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ आएगा। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ओके, और सेंटेंस पर हम जाते हैं, जैसे बनना ही चाहिए या होना ही चाहिए, तो उसे शिक्षित होना ही चाहिए, क्या है बना लो, उसे शिक्षित
होना ही चाहिए। हमारी शिक्षा को लेकर बहुत आता है, उसे शिक्षित होना, यहाँ ही लगा दो, उसे शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए, ठीक है। बाल बाल काले होने चाहिए, होने ही चाहिए, बाल काले होना ही चाहिए, बोल सकते बाल काले होना ही चाहिए। आपका आपका मोबाइल, आपका मोबाइल महंगा, सॉरी आपका मोबाइल महंगा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बोल सकते हैं आपका मोबाइल होना ही चाहिए। उसे वैसा तो नहीं होना चाहिए, सॉरी, उसे शिक्षित, उसे शिक्षित होना ही चाहिए, ऐसा डबल हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं, उसे शिक्षित होना ही चाहिए, आपको डॉक्टर बनना ही चाहिए, बच्चों को ज्ञानी होना ही चाहिए, घर सुरक्षित होना ही चाहिए, हमें मुझे टीचर बनना ही चाहिए, तो उसमें ही का एम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम सेंटेंस बनाने से पहले हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो हम स्ट्रक्चर्स पर जाते हैं, पेन के गिर जाना दो। ओके, तो स्ट्रक्चर्स इट इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट, आई होप आप तो बना लोगे, ठीक है, प्लस बी और नाउन एडजेक्टिव, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू द मेकिंग द स्ट्रक्चर्स। ओके, आप बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर आपने पहले की क्लास देखी होगी तो आप बना सकते हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ठीक है, थोड़ा सा आज अलग क्यों लग रहा है यार, मस्ट प्लस के बाद नॉट आएगा, प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड बना लो, फटाक से क्वेश्चन, मतलब हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे आई थिंक कि आप मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी क्लास के बाद करता हूँ, मतलब इसके बाद लिखने की बात करता हूँ, ठीक है, अगर जो पहली बार देख रहा हो तो आसानी से स्ट्रक्चर्स को बना सकता है, कि 2, 4, 6 तो स्ट्रक्चर्स देख ले, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, क्वेश्चन वर्ड मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, इट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, तो इस 6 प्रकार के सेंटेंस बनाना जो सीखते हैं उसका स्ट्रक्चर्स ऑलवेज मैं यूज करता हूँ, ऑलवेज आपको बनाता रहता हूँ। ओके, तो आपने इतना तो समझ लिया होगा, और बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या सेंटेंस पे जाते हैं, सेंटेंस हम इट इज़ वेरी इजी टू मेकिंग द सेंटेंसेस। ओके, तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें, फिर हम स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं। ओके, ओ सॉरी, शायद स्क्रीनशॉट लेना भूल गए, थोड़ा सा जब तक मैं बात कर रहा था आप उसको लेना, अरे यार मैंने भी मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लो, आपके बाल काले होने चाहिए, अब ये बताओ बाल काले क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 26-27 एज है, या फिर सॉरी मतलब 20 के बाद 21 के बाद अगर एज है, तो आपके बाल काले होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके बाल काले नहीं होंगे तो आपकी शादी नहीं होगी, आपकी शादी नहीं होगी, तो क्या है, आपके बाल काले होने ही चाहिए, ठीक है, आपके बाल काले होने ही चाहिए, रेड पेन से नहीं लगता, तो क्या आएगा, योर हेयर मस्ट बी ब्लैक, अगर सफ़ेद बोलो
आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए, तो ये वार हेयर मस्ट बी ब्राउन, ध्यान रखना वाइट नहीं बोलते हैं बालों को, ब्राउन बोलते हैं, ब्राउन हेयर। आपके बाल काले होने ही नहीं चाहिए। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं, आपके बाल काले होने ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, आपके बाल काले होने ही नहीं चाहिए, तो क्या आएगा, योर हेयर मस्ट नॉट बी ब्लैक, होने ही, ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें क्या रहता है, इसमें नहीं में थोड़ा सा दिक्कत होती, मतलब जो छह सेंटेंस बनाते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इस छह प्रकार से सेंटेंस में बनाना है तो ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या आपके बाल काले होने ही चाहिए, होने ही चाहिए मैंने बोला, क्या आपके बाल काले होने ही चाहिए, क्या आपके बाल काले होने ही चाहिए, ठीक है, मेरे बाल तो काले हैं ना, बताओ आप बताना, होंगे शायद, ओके, तो मस्ट योर हेयर बी ब्लैक, क्या आपके बाल काले होने ही नहीं चाहिए, क्या आपके बाल काले क्यों नहीं होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, ध्यान से रखना थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या आएगा, मस्ट योर हेयर नॉट बी ब्लैक, मस्ट योर हेयर नॉट बी ब्लैक, क्या आपके बाल काले, आपके बाल काले, आपके आपके बाल काले, काले खाले नहीं काले, आपके बाल काले किस तरह होने चाहिए, डार्क किस तरह होने चाहिए, होने ही चाहिए, ही लगा दो यार, ठीक है, तो आपके बाल तो किस तरह है, तो क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप, व्हाट टाइप मस्ट योर हेयर, मस्ट योर हेयर बी ब्लैक, व्हाट टाइप मस्ट योर हेयर बी ब्लैक, आपके बाल काले आपके बाल काले 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 बाल, काले काले बाल किस तरह होने ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना, देखो इसमें क्या है कि सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए जो नहीं हिंदी में लगाते हैं वो हम यहाँ लगाते हैं, आपके बाल काले नहीं होने ही चाहिए तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए ही नहीं चाहिए, देखो यहाँ ही नहीं चाहिए है ना, तो व्हाट टाइप, इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, व्हाट टाइप मस्ट योर हेयर नॉट बी ब्लैक, व्हाट टाइप मस्ट योर हेयर नॉट बी ब्लैक, ओके, तो मैंने आपको सेंटेंस बनाना बता दिया, आपके बाल तो ये थोड़ा अलग है, आपके बाल, ठीक है, तो मैंने आपके बाल योर हेयर, अगर मैं पहले की अगर क्लास देखेगी तो मैंने आपको बताया है पोजीशंस, ओके, जो पोजीशंस शो करते हैं नाउन के ऊपर, तो आपके बाल काले होने चाहिए, योर हेयर मस्ट बी ब्लैक, आपके बाल काले होने ही नहीं चाहिए, योर हेयर मस्ट नॉट बी ब्लैक, क्या आपके बाल काले होने ही चाहिए, मस्ट योर हेयर बी ब्लैक, क्या आपके बाल काले होने ही नहीं चाहिए, मस्ट योर हेयर नॉट बी ब्लैक, आपके बाल कैसे काले होने चाहिए, सॉरी किस तरह काले होने चाहिए, तो व्हाट टाइप मस्ट योर हेयर बी ब्लैक, आपके बाल किस तरह काले होने ही नहीं चाहिए, ही नहीं चाहिए, तो क्या आएगा, व्हाट टाइप मस्ट योर हेयर नॉट बी ब्लैक, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप कन्फ्यूजिया हो जाओगे बोलते कन्फ्यूज हो जाओगे, सीधी बात है कन्फ्यूज हो जाओगे बोलते हैं ना, कौन सी वर्ड, मतलब एक शायद मूवी कुछ ही में बोलते हैं कन्फ्यूजिया है, कुछ का कुछ बोल देते कन्फ्यूजिया, तो कन्फ्यूज हो जाओगे सीधी बात है, तो आपको इसके जैसे और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे हाँ ये ले लो, ठीक है, ये पेन नीला होना ही चाहिए, पेन नीला होना ही चाहिए, तो क्या आएगा, पेन मस्ट बी ब्लू, पेन नीला होना ही नहीं चाहिए,
पेन मस्ट नॉट बी ब्लू, क्या पेन नीला होना ही चाहिए? मस्ट पेन बी ब्लू, क्या पेन नीला होना ही नहीं चाहिए? मस्ट पेन नॉट बी ब्लू, पेन क्यों नीला होना चाहिए? बाय मस्ट बी, बाय मस्ट बी पेन ब्लू, सॉरी बाय मस्ट पेन बी ब्लू, पेन नीला क्यों होना ही नहीं चाहिए? वाई मस्ट पेन नॉट बी ब्लू। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं, शायद मैंने बीच में गलती की है, देख लेना आप, चेक कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार, सॉरी यहाँ आदत है, तो इस प्रकार हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं, बनना चाहिए होना चाहिए, थोड़ा मैं अलग बताया है, थोड़ा अलग, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं, क्या है ये, क्या है इसको हम सीलिंग बोलते हैं शायद, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन जो ऊपर बोलते हैं ना सीलिंग, तो सीलिंग क्या रहते हैं, वाइट रहते हैं ज़्यादातर, तो बोल सकते हैं सीलिंग वाइट होने ही चाहिए, नहीं होना ही, होना बहुत हो गया ना, बनने लगा, ठीक है। तो आसानी से देखे, तो हमारी मेरी सिस्टर का नाम प्रियंका, तो प्रियंका को डॉक्टर होना ही चाहिए, तो प्रियंका को डॉक्टर बनना ही चाहिए, तो प्रियंका मस्ट बी डॉक्टर, प्रियंका को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, तो प्रियंका मस्ट नॉट बी डॉक्टर, क्या प्रियंका को डॉक्टर बनना ही चाहिए? मस्ट प्रियंका बी डॉक्टर, क्या प्रियंका को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए? मस्ट अंका नॉट बी डॉक्टर, ओके, क्या प्रियंका को, सॉरी प्रियंका को डॉक्टर क्यों होना चाहिए, क्यों होना ही चाहिए? बाय मस्ट प्रियंका बी डॉक्टर, प्रियंका को डॉक्टर क्यों होना ही नहीं चाहिए? बाय मस्ट प्रियंका नॉट बी डॉक्टर। इस प्रकार हम सेंटेंस को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आई थिंक ये क्लास थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन आई थिंक आप इसके सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं, और थोड़ा अलग भी मैं पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपकी क्लास आजकल रेगुलर आ रही है, तो लेकिन पेशेंस मास्क को ना मैंने आपको बताया, 10 दिन का मैंने आपको दिया है कि 10-12 दिन आप क्या कर सकते, क्या कर सकते, आपकी सपोज आपकी क्लास ना आ पाए, मैंने बहुत सारे 10-12 टॉपिक दिए, उसको डेली टॉपिक बनाओ, प्रैक्टिस करो, ओके। तो वो मैंने आपकी क्लास में बता दिया है, तो अगर क्लास रेगुलर है तो डोंट बी कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज नहीं होना कि आप क्लास आएगी कि नहीं आएगी, आपकी क्लास जरूर से जरूर आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, 6 महीने तक आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आपको क्लास ना करा दूँ पूरी, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा दूँ स्पोकन की, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको क्लास कैसी लगी यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, यदि आप चाहते हैं कि ये क्लास और लोगों तक पहुँचे, और लगता है कि ये क्लास और लोगों को भेजना चाहिए, तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खूब पढ़ाई करें, थैंक्स फॉर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।